अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 हमने स्कूल में कंप्लीट किया है। आज हम लेसन नंबर 4 से पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है आपका हीट, पेज नंबर है 35। इस लेसन में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट का मतलब क्या है? हरारत या गर्मी। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ आप ये जो है आप लोग खुद सोच लेना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको देना है। यानी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिनमें जो है आपको हॉट या कोल्ड जो है डाल के इनको जो है फिल करने हैं। लर्निंग आउटकम्स ये हमें जो है पता है, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हमें देखना है। यानी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आंसर जो है आपको चैप्टर के ख़त्म होने के बाद देना है। याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर अगर आपको चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपके दिमाग में आ जाए तो समझ लेना आपको जो है ये चैप्टर जो है समझ में आ गए हैं, ठीक। अब देखो, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड ऑन अ ब्राइट समर डे ऑन अ विंटर नाइट, हाउएवर इट इज़ वेरी कोल्ड व्हेन वी रब अवर हैंड्स इन विंटर, दे बिकम वार्म। अगर हम समर में जो है दिन को बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत गर्मी होते हैं, इसी तरह विंटर के नाइट अगर हम जो है बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत सर्दी होते हैं। जब हम अपने हाथों को जो है रब करते हैं विंटर में तो वो वर्म हो जाते हैं, ठीक। वीव योर वुलन क्लोथ्स इन विंटर एज दे कीप अस वर्म। विंटर में जो है हम क्या पहनते हैं? वुलन के कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। द थिंग्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बिकम कोल्ड वाइल द थिंग्स केप्ट इन साइड एन ओवन बिकम हॉट। दस इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस टर्म्स लाइक हॉट, कोल्ड एंड वर्म। फ्रिज में जो चीज़ें रखे हैं वो कोल्ड होते हैं, जबकि ओवन में जो चीज़ें रखे